हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम अपने डेटाबेस के जो लेक्चर्स हैं उन्हें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डेटाबेस लैंग्वेजेस। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे वो सब थ्योरेटिकल थे और दे आर द बेसिक्स। ये भी आपका एक बेसिक का ही चैप्टर है कि डेटाबेस अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम डेटाबेस में परफॉर्म करेंगे। नाउ जब हम ये थ्योरी पार्ट को ख़त्म कर देंगे फिर हम आएंगे इसके कॉन्सेप्ट पार्ट में, दैट इज़ आफ्टर नोइंग द डेटाबेस लैंग्वेजेस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मैं क्वेरीज़ को कैसे रन करते हैं। अगर मुझे क्रिएट के लिए कोई क्वेरी बनानी है, इंसर्ट के लिए बनानी है, तो मैंने काफ़ी क्वेरीज़ आपको बताई भी है, लेकिन उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेम उसी चीज़ को लेकर। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेटाबेस लैंग्वेजेस। नाउ डेटाबेस लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक डेटाबेस मैंने बना लिया, अब मुझे अगर उसमें कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे पास सेट ऑफ वर्ड्स है, एक लैंग्वेज है डेटाबेस की जिसको मैं यूज़ करूँगी। और इससे हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को हम डिलीट करते हैं, उसमें कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये चार ही चीज़ें होती है जो हम परफॉर्म करते हैं किसी डेटाबेस में। इसके अलावा जैसे जैसे आप और ज़्यादा कोर में जाएंगे यू विल गेट टू नो एक रोल बैक आता है, कमिट आता है, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशन है जो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज़। फर्स्ट, दे आर यूज टू एक्सप्रेस द डेटाबेस क्वेरीज एंड अपडेट्स। अगर मैंने कोई क्वेरी की है डेटाबेस के ऊपर में जिससे मुझे उसके बारे में डेटा मिलना चाहिए तो उसके लिए मैं इस लैंग्वेज को यूज़ करूँगी। इफ़ आई वॉन्ट टू रीड कि मैंने क्या डेटा डाला है, इफ आई वॉन्ट टू स्टोर एनी डेटा इन द टेबल और आई वॉन्ट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा दैट इज़ इन दैट टेबल, तब भी मैं इस लैंग्वेज को यूज़ करूँगी, दैट इज़ द अपडेट। अपडेट आता है आपका DML के अंदर में। आई विल लेट यू नो ये सब के बारे में। थर्ड है, विद दीज वी परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जो हमने एक बहुत बड़ा सा डेटाबेस बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं तो उसमें भी अगर मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तब भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। नाउ डेटाबेस लैंग्वेजेस आपकी एक्चुअली 5 टाइप की होती है। DDL दैट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 तरह के अलग अलग ये आपके ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म करोगे, लेकिन इसे हमने कैटेगराइज कर दिया इन 5 चीज़ों में। फॉर एग्जांपल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो डेटा डेफिनेशन से हम क्या समझेंगे कि जो डेटा है मेरे टेबल पे या जो एक टेबल है तो मैं उसे डिफाइन कैसे करूँगी। इन तरीकों से मैं एक टेबल को डिफाइन करती हूँ जो डेटाबेस के अंदर होता है। फर्स्ट इज DDL दैट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या मैं लिख देती हूँ ओके। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है दैट इज यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर और द पैटर्न। तो जो डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कौन से स्ट्रक्चर का है, वो एक ट्री स्ट्रक्चर है, वो टेबल है, वो क्या है, वो उससे बताएगा या फिर उसके पैटर्न को बताएगा, डेटाबेस का पैटर्न कैसा है ओके। या फिर दे आर यूज टू क्रिएट, चलो अगर मेरे को एक टेबल को अगर क्रिएट भी करना है ना तो भी मैं DDL के लैंग्वेजेस को यूज़ करूँगी। अगर मेरे को अपने टेबल को क्रिएट करना है, उसके स्कीमा को, टेबल्स को, इंडेक्सेस को अगर मुझे क्रिएट करना है, उसके किसी कंस्ट्रेंट्स को क्रिएट करना है, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कीज़ जो हम लगाते हैं उसको, तो उसके लिए भी मैं क्या यूज़ करती हूँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। थर्ड है, अगर मुझे स्केलेटन ऑफ डेटाबेस दैट इज़ द सेम थिंग, मुझे एक ढांचा क्रिएट करना है डेटाबेस का तो उसके लिए भी मुझे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। या फिर मुझे अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करना है किसकी, मेटा डेटा की, दैट इज़ मेटा डेटा की डेफिनेशन होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अगर मुझे उसके और अंदर की इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करना है तभी मैं DDL का यूज़ करूँगी। तो DDL के अंदर के ये 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। दैट इज़ पहला फंक्शन जो हम DDL में यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रिएट, जो कि क्रिएट करेगा किसी टेबल को, डेटाबेस को क्रिएट करेगा, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट।
विल कम हियर, विल गेट टू नो एक एक करके. फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, क्रिएट का मतलब क्या होएगा कि अगर मैंने एक डेटा बेस बनाया है तो उसके अंदर के मुझे ऑब्जेक्ट्स को अगर क्रिएट करना है, उसके अंदर के डेटा को, उनके एट्रीब्यूट्स को, टपल्स को, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटा बेस जैसे. तो क्रिएट. सेकेंड है ऑल्टर. अब मैंने यार एक स्ट्रक्चर बना दिया अपना डेटा बेस का कि हाँ मेरा डेटा बेस ऐसा रहेगा, लेकिन अब मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, मुझे उसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो मैं यूज़ करूँगी ऑल्टर. ऑल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी मैं टू ऑल्टर दी स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस. डिलीट नहीं करना है, अपन को क्या करना है, सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज करना है. थर्ड होता है ड्रॉप. ड्रॉप क्या करेगा, इफ़ आई वॉन्ट टू डिलीट दी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटा बेस, एक जो डेटा बेस मैंने बना लिया, अगर उसमें से मुझे किसी टेबल को डिलीट करना है या मुझे उसके अंदर के डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ड्रॉप. ट्रंकेट क्या होता है, अगर मुझे किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है. नाउ एक थिंग आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि ड्रॉप, ट्रंकेट, एक और आता है आपका डिलीट, तो ये तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी इन तीनों के अंदर में क्या डिफरेंस होता है. एक में ये करते हैं हम कि एक में पूरा टेबल डिलीट होता है, एक में रो डिलीट होती है. तो आई विल लेट यू नो एक एक करके. तो सबसे पहले ड्रॉप में आप इतना जान लीजिए कि अगर मुझे कुछ डिलीट करना है डेटाबेस में से, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, उसके लिए मैं ड्रॉप यूज़ करूँगी. ट्रंकेट का यूज़ मैं कब करूँगी, अगर मुझे किसी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, हटा देना है वहाँ से, तब मैं यूज़ करती हूँ ट्रंकेट. रीनेम, एज द नेम सजेस्ट, अगर मुझे रीनेम करना है किसी ऑब्जेक्ट को, हो सकता है किसी एट्रीब्यूट का नाम मुझे रीनेम करना रहे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी रीनेम वाला ऑपरेशन. नाउ सेकेंड, अब जब हम सेकेंड में आते हैं, DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके, एक होता है हमारे पास डेटा क्वेरी लैंग्वेज. दिस इज़ आई वॉन्ट टू रन अ क्वेरी, मुझे क्वेरी को फायर करना है, तो उस हमेशा जब आपकी क्वेरी फायर होगी तो उसके लिए मैं एक ऑपरेशन यूज़ करती हूँ सिलेक्ट. सिलेक्ट ऑपरेशन मैं यूज़ करूँगी. लेकिन अगर जो टेबल है मेरे पास, अब अगर मुझे उस टेबल को मैनिपुलेट करना है, उसके अंदर मुझे कोई डेटा को डालना है, अगर कोई डेटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए मैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करती हूँ. कई बार बहुत सारी जगह में हम ये दोनों को मिला देते हैं, तो जब मैं आपको समझाऊंगी तो मैं इसको इसके साथ में इंसर्ट करके ही आपको समझाऊंगी कि ये होता क्या है. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. नाउ अब थर्ड है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब इट इज यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा है, अगर मुझे उन सबको एक्सेस करना है या फिर उन्हें थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए मैं DML का यूज़ करूँगी. तो इसमें जो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करती हूँ वो है पहला सिलेक्ट. सिलेक्ट क्या करेगा, इट इज़ यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस. मतलब अगर मुझे कोई डेटा निकालना है अपने टेबल में से, कोई डेटा में से, तो मैं हमेशा जो क्वेरी यूज़ करती हूँ मैं सिलेक्ट कर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जो भी मेरा टेबल नेम है उसको लिख दूंगी. इससे क्या होगा, जितनी भी डेटा है मेरे उस टेबल में वो सब के सब सामने आ जाएगी, पूरी रिट्रीव होके मेरे पास आ जाएगी. तो उसके लिए मैं ऑपरेशन यूज़ करती हूँ सिलेक्ट वाला. सेकंड है इंसर्ट. अगर मुझे किसी डेटा को इंसर्ट करना है अपने टेबल में इंसर्ट करना है, तो मैं इंसर्ट को यूज़ करूँगी, इंसर्ट क्वेरी चलाऊँगी. मैं आपको क्वेरीज भी बताऊँगी एक टेबल के साथ में. आई विल शो यू कुछ छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस. थर्ड है आपका अपडेट. नाउ अगर जो डेटा है वो अगर बार बार चेंज हो रहा है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं किसी की फीस का, अगर हो सकता है फीस में कुछ किसी का रिएम्बर्स हुआ हो, फीस या फिर स्कॉलरशिप मिली हो, तो उस वजह से भी हम कुछ ना कुछ अपडेट्स करते हैं हमारे फीस के कॉलम में, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अपडेट का. इफ़ आई वॉन्ट टू अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल, उसी टेबल में अगर मुझे कोई डेटा को अपडेट करना हो, चेंज करना हो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए. नाउ डिलीट, इफ़ आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल. नाउ आप बोलोगे कि ट्रंकेट भी है और डिलीट भी है, बोथ आर यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है. दैट इज़ जो डिलीट होता है ये आपके रो पर परफॉर्म होता है, इसमें रोज डिलीट होंगे. ट्रंकेट में क्या होता है, पूरा का पूरा एक टेबल जो होता है, टेबल एक साथ फेच करके फिर उसमें से वो डेटा को पूरा डिलीट करेगा. नेक्स्ट इज मर्ज. इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म द इंसर्ट एंड द अपडेट ऑपरेशन, अगर मुझे एक या दो टेबल्स को एक साथ मर्ज करना है
तो उसके लिए मैं मर्ज ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हूँ. नाउ विल गो विद द नेक्स्ट, दैट इज थर्ड इज DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. नाउ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि भाई वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डेटा. आज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो हम रखते हैं सेव करके हमारे पास में. तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो किसी गलत हाथ में पड़े, दैट इज़ द रीज़न कि हमें कोई कुछ ऐसे ऑपरेशंस चाहिए, सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि हमारे उस डेटा को कंट्रोल कर सके, है ना. मतलब कुछ ही लोगों का प्रिविलेज होना चाहिए कि वो उन डेटा को यूज़ कर सकेगा एंड बाकी वोंट बी एबल टू हैव अ लुक टू इट. तो दे आर यूज टू रिट्रीव द स्टोर्ड और द सेव डेटा. जो डेटा मेरे पास किसी टेबल में रखा हुआ है विथ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो उसे अगर मुझे रिट्रीव करना है सेव अपने डेटा को, तो उसके लिए मैं DCL का यूज़ करती हूँ. ऑल्सो इट इज़ अ ट्रांजैक्शनल. ओके, DCL को हम ये कह सकते हैं कि एक आपका ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको. ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज का ये मतलब ये होता है जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए जो मेरे सेट ऑफ ऑपरेशंस जो मैं यूज़ करती हूँ, तो वो होते हैं आपके ट्रांजैक्शनल ऑपरेशंस. ओके, तो उसमें एक ऑपरेशन होता है आपका रोल बैक ऑपरेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने डेटा अपना, मैंने एक मनी को ट्रांसफ़र किया एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ, तो बीच में बाई चांस सर्वर डाउन हो गया, लाइट गोल हो गई, तब क्या होता है, या तो आपका मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा नहीं तो आपका मनी बैक आपके पास आ जाएगा. अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपको एक टेंशन रहेगी कि अरे पैसा गया कहाँ, बीच में कहाँ अटक गया. तो बीच में नहीं अटकता एक्चुअली, वहाँ पे ये होता है कि हम रोल बैक लगा देते हैं. रोल बैक का मतलब होता है कि जो प्रीवियस ऑपरेशन था ये वापस से उसी में ही चला जाएगा, रोल बैक हो जाएगा. तो उसके लिए हम रोल बैक ऑपरेशन यूज़ करते हैं. वन थिंग यहाँ जो आपको और जानना ज़रूरी है कि जो आपका ये रोल बैक ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन वाला, ये SQL में यूज आएगा, लेकिन नॉट फॉर Oracle, नॉट इन Oracle. Oracle में ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते आप. अंडर DCL, DCL में यू कांट यूज रोल बैक ऑपरेशन इन Oracle. ओके, नाउ बिकॉज मेरे को पहले डेटा को कंट्रोल करना है, उस वजह से मैं जो दो ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म करूँगी वो है आपका ग्रांट एंड रिवोक. अगर मैंने ग्रांट क्वेरी लगाई है, दैट मीन्स टू गिव द यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस टू डेटाबेस. डेटाबेस को कौन यूज़ कर सकता है, उसको एक्सेस किन किन लोगों को देना है, कौन कौन लोग प्रिविलेज्ड है उसको यूज़ करने के लिए, उसके लिए मैं ग्रांट यूज़ करूँगी. रिवोक इज टू टेक बैक द परमिशंस फ्रॉम द यूज़र. नाउ हर किसी का एक टाइम टेन्योर होता है. अगर उस टाइम टेन्योर तक कोई चेयरमैन है, कोई CEO है, से वो उसी टाइम तक की आपके डेटा को देख सकता है, उसके लिए मैं ग्रांट यूज़ करूँगी. रिवोक को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, अगर मुझे वापस ले लेना है उनके ऑपरेशंस को, कि यार ओके ये चेयरमैन 5 years के लिए था, तो 5 years तक ही वो आपके डेटा को देख सकता है, आफ्टर दैट उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है टू हैव अ लुक एट द डेटा ऑफ द कंपनी. सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, मैं वापस से एक क्वेरी रन कराऊंगी जो कि रिवोक क्वेरी होगी. What it will do, ये आपके जो permissions आपने दिए हैं 100 and 100% को, वो उससे back ले लेगा, वापस अपने से ले लेगा. Now we'll go with the next, that is the fourth one. मैंने DQL और DML ये दोनों को मैंने एक साथ आपको समझा दिया है, DCL मैंने समझा दिया, अब next चलेंगे हम TCL, that is Transaction Control Language. Now मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को हम कहाँ यूज़ करते हैं. अगर मुझे कोई ट्रांजैक्शंस करना है, कोई दो, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मुझे एक ट्रांजैक्शन करना है एक से दूसरे अकाउंट की तरफ, तो उस वजह से जो मनी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, या तो कमिट या फिर रोल बैक. आई विल गेट टू यू ये दोनों होता क्या है. ओके, विल स्टार्ट विद द फिफ्थ वन, दैट इज़ TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ओके, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब DML यूज़ किया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तब उसमें मैंने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ डेटा को मैनिपुलेट किया, या तो मैंने इंसर्ट किया या डिलीट कर दिया. लेकिन बाई चांस आफ्टर डूइंग सो अगर मैंने TCL यूज़ नहीं किया, दैट इज़ अगर मैं आपको एक क्वेरी नहीं लिखी हूँ, दैट इज़ कमिट, तो क्या होगा, जब मैंने अगर सिस्टम ऑफ कर दिया वापस ऑन करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो रोल बैक हो जाएगा. मतलब पहले जो मैंने डेटा डाला हुआ था उसमें, जिसको मैंने मैनिपुलेट किया है, तो वो मैनिपुलेटेड लैंग्वेज के डेटा मुझे नहीं दिखेंगे, मुझे उसके पहले के ही डेटा दिखेंगे. द रीज़न इज़ कि मैंने कमिट क्वेरी को वहाँ पर रन नहीं कराई.
इस वजह से। तो एक्चुअली TCL का यूज़ ही यही होता है कि अगर मुझे जो भी मैंने चेंजेस किए हैं जिस DML स्टेटमेंट को यूज़ करके मैंने जो चेंजेस किए हैं, तो अगर मुझे उसे परमानेंट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी दो ऑपरेशंस, दैट इज़ द कमिट एंड द रोल बैक ऑपरेशन। तो कमिट कब यूज़ किया जाता है? व्हेन आई यूज़ कमिट टू सेव द ट्रांजैक्शंस ऑन द डेटाबेस। अगर मुझे डेटाबेस में अपने ट्रांजैक्शंस को क्या करना है, सेव करके रखना है परमानेंटली कि हाँ ये मेरा लास्ट कमिट यहाँ तक हुआ है और अभी इसके बाद में अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, दैट इज़ फाइनल उसके लिए। सेकेंड ऑपरेशन होता है रोल बैक। रोल बैक का मैं कब यूज़ करूँगी? व्हेन आई वॉन्ट टू रीस्टोर द डेटाबेस। अगर हो सकता है मैंने गलती से कोई गलत डेटा डाल के कमिट कर दिया हो या समथिंग लाइक दैट, तो उसको मैं क्या करूँगी? अगर मैंने रोल बैक को, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे कमिट नहीं चलाना है। जैसे मैंने कोई डेटा लिख दिया अपने डेटाबेस में लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो गलत है, उसको मुझे सही करना है, तो मैं रोल बैक को यूज़ कर सकती हूँ। आफ्टर यूजिंग रोल बैक क्या होगा, जो भी मैंने लास्ट कमिट किया होगा उसके पहले, इसके पहले के जो डेटा मैंने कमिट किए होंगे तो वो वहाँ पर वापस चला जाएगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ रोल बैक। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हमारे ट्रांजैक्शंस में यूज़ होते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे एक अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन ट्रांसफ़र करने पर ये हो गया कि अचानक से बीच में सर्वर डाउन हो गया, तो क्या होगा? वाइल बीइंग इन दैट ट्रांजैक्शन तो मनी ना तो नेक्स्ट अकाउंट में पहुंचे ना ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। तो जब आप कमिट या रोल बैक का यूज़ करते हैं, अगर आप रोल बैक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जितना मनी जो भी बीच में फंसा होगा, ना कि उस अकाउंट में गया होगा, वो क्या होगा, वो वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रोल बैक को यूज़ करें। कमिट मीन्स ओके, जितना हो चुका है हो चुका है, उसको हमने कमिट कर दिया। तो अगर 5,000 ट्रांसफ़र हो गए तो 5,000 सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ 5,000 रुपीज़ है वो घूम के आपके अकाउंट में आ जाएगा, विच यू कैन ट्रांसफ़र इट फर्दर इफ़ यू वॉन्ट टू। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या है और इसके साथ में जितने भी लैंग्वेजेस हैं तो वो सब क्या है। आप चाहो तो एक बार इन्हें लिख सकते हो फॉर योर यूज़, आपके एग्जाम्स में भी, जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं इसमें काफ़ी बड़े मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ वो है डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बींग ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप। आपने देखा होगा ये तीनों वर्ड्स मैंने अभी यूज़ किए हैं, जिसमें मैं ट्रंकेट और ड्रॉप को यूज़ करती हूँ एज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर मुझे एक टेबल की डेफिनेशन देना है कि मैं टेबल को मैंने क्रिएट किया है, उसके एक स्केलेटन को क्रिएट किया है, तो उसके लिए मैं ट्रंकेट और ड्रॉप जैसे मैं यूज़ करती हूँ अगर उसी फॉर्म के अंदर में, तो वहाँ पे एक थर्ड, एक आपका आता है डिलीट जो थर्ड नंबर पे, दैट इज़ DML लैंग्वेज। ये हम यूज़ करते हैं अगर मुझे जो टेबल के अंदर डेटा है अगर मुझे उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एक डिलीट ऑपरेशंस। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, चलिए हम देखेंगे। जैसे ट्रंकेट है तो ट्रंकेट के अंदर में मैंने एक क्वेरी लिखी जो कि कुछ इस टाइप से लिखी जाती है, ट्रंकेट टेबल EMP। EMP क्या है, हमारा एक टेबल नेम है। सेम डिलीट के लिए रहेगा डिलीट फ्रॉम EMP। थर्ड है ड्रॉप, ड्रॉप टेबल EMP। ट्रंकेट क्या है, इट इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पता है DML को मैं क्या कहूँगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ अपने डेटा को। ड्रॉप इज अगेन अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड डिफरेंस जो मैंने आपको एक बार बताया था अभी कि ट्रंकेट को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, अगर मुझे उस पूरे टेबल के डेटा को एक साथ हटाना है, उस पूरे एक टेबल है उसके अंदर में बहुत सारे रो होंगे अलग अलग, तो मुझे अगर उस पूरे रो को ही हटा देना है तब मैं यूज़ करती हूँ ट्रंकेट। तो ट्रंकेट एक्चुअली क्या करता है, आपके पूरे टेबल को लॉक कर देता है एंड देन इट रिमूव्स द रिकॉर्ड्स। पहले उसे लॉक कर देंगे, उसमें आप फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते DML के, तो उसके बाद में फिर आप चाहो तो उसको रिमूव कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स को। लेकिन डिलीट में क्या होता है, डिलीट में हम रो लॉक लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे टेबल लॉक यूज़ होता है और यहाँ पे हम रो लॉक को यूज़ करते हैं। रो लॉक क्या करेगा, डिलीट करते हैं हम एक एक रो को
एज अ टेबल पूरा डिलीट नहीं होगा, टेबल ट्रंकेट को यूज करके डिलीट होगा, लेकिन डिलीट को अगर यूज कर रही हूँ मैं ये वाले ऑपरेशन को, क्वेरी जिसमें डिलीट लिखी हुई है, तो वो क्या करेगा, एक एक रो के डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है। ईच रो इसमें क्या करेगा, वो पूरे रो को उसने लॉक कर दिया, उसके बाद में डिलीट कर देगा। थर्ड इज इट कैन नॉट यूज द वेयर क्लॉज। ओके, अब ट्रंकेट में वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते ना भाई, कैसे लगाओगे इसमें आप, हम टेबल पे ही वर्क कर रहे हैं, तो जब मैंने उस टेबल को ही कमिट कर दिया तो उसमें उसको कुछ और तो सर्च करना नहीं है, तो इसीलिए वी कैन नॉट यूज हियर द वेयर क्लॉज। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें एक वेयर क्लॉज को यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट में आप वेयर क्लॉज को यूज करते हो, बिकॉज भाई बहुत सारी रोज है ना, उसमें से कौन सी रो को डिलीट करना है, कौन से नंबर के एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वेयर क्लॉज। नेक्स्ट इज इट रिमूव्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। एज अ होल टेबल वर्क कर रहा है ट्रंकेट, तो वो क्या करेगा, जितने भी रोज है ना वो पूरे रो को ही रिमूव कर देगा, ओके। लेकिन डिलीट क्या करेगा, ये आपके रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन द वेयर क्लॉज। भाई मेरे को एक पूरी रो को ही डिलीट कर देना है ना, अगर सिंगल एक ही रो को डिलीट करना है, मेरे को पूरे टेबल को डिलीट नहीं करना है, तो वहाँ पे मैं डिलीट का यूज करूँगी। नेक्स्ट, अगर मैंने ट्रंकेट को यूज़ किया है तो मैं रोल बैक नहीं हो सकती वापस, इसलिए हमेशा ट्रंकेट को बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता है। अगर आपको लगता ही है कि उस टेबल की अब मुझे ज़रूरत इन फ्यूचर कभी नहीं पड़ेगी, तभी आप ट्रंकेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आप इस ऑपरेशन को वापस से रोल बैक नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पूरा डेटा तो चला गया है, इट कांट कम बैक, तो आपको फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगा और वो पूरा वर्क करना पड़ेगा उसके पीछे, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा चले भी जाए। इसलिए जब भी आपको एक ट्रंकेट को या फिर आपको अगर ड्रॉप यूज़ करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसको काफ़ी सावधानी से यूज़ करो। लेकिन अगर आप डिलीट यूज़ कर रहे हो, तो डिलीट में आप रोल बैक कर सकते हो, भाई ठीक है, गलती से हमने कोई रो को डिलीट कर दिया तो वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा। इसलिए बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाया जाता है डिलीट वाला ऑपरेशन, ना कि ट्रंकेट एंड ड्रॉप। उसका रीज़न ही ये है कि अगर ये दोनों ऑपरेशंस आपने परफॉर्म कर दिए, तो फिर आपको वापस से पूरा टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ विल कम विद द ड्रॉप पार्ट। ड्रॉप में हम देख सकते हैं कि दैट इज़ अ DDL कमांड। ड्रॉप रिमूव्स अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस। उस पूरे डेटाबेस का जो टेबल है, टेबल इसमें भी रिमूव होएगा, टेबल ट्रंकेट में भी रिमूव होगा, लेकिन इन दोनों में भी एक डिफरेंस है, दैट इज ट्रंकेट में मैं टेबल के रोज को डिलीट करती हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर रहता है हमेशा, स्ट्रक्चर इज ऑलवेज देयर, स्ट्रक्चर इज नॉट डिलीटेड। इसमें मैं उस स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं ड्रॉप को यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल टेबल ही गायब हो जाएगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं बचेगा, पूरा गायब। उसमें ये हो सकता है कि हमारे डेटा उसमें हमारे डेटा और रोज रिमूव होंगे, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा, मतलब आई कैन से कि टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा इसमें, अगर मैं ट्रंकेट यूज़ करती हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर विल बी गॉन फॉर एवर। ओके, थर्ड इज सेम थिंग कि इसके भी जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें मैं रोल बैक नहीं कर सकती वापस से, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें जो क्वेरीज हैं वो किस टाइप से बनाई जाती है, विल सी टू इट। पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस लैंग्वेजेस के ऊपर में पढ़ा है, तो उसी के आगे कंटिन्यूसली मैं आपको कुछ अब क्वेरीज के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेरीज हैं, अगर मैं एक टेबल पे लगाती हूँ तो कैसे चेंजेस आते हैं या सेम रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सेम आउटपुट चाहिए तो उसके लिए मैं कितने टाइप के क्वेरीज को लगा सकती हूँ। तो विल स्टार्ट विथ कि ये आपके सामने मैंने एक टेबल बना दिया है, टेबल का नाम है EMP, ये है एम्प्लॉयज़ के नंबर, ये है एम्प्लॉय का नाम, उनकी सैलरी, वो कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं एंड उनका डिपार्टमेंट क्या है, ऑफकोर्स कोई ना कोई डिपार्टमेंट नंबर होगा ये। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डेटा चाहिए किसकी, मुझे उन सबकी सैलरी चाहिए जो कि ज़्यादा है 2000 से और 3000 से कम है, और इक्वल टू 3000 या उससे कम है मेरे को चाहिए, तो उसमें मेरे कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 में ये वैल्यू आ जाएगी मेरी,
ये वैल्यू एंड दिस वन, ओके। तो क्या होगा, इसमें सिर्फ वैल्यू और सैलरी नहीं आके मेरे को पूरी की पूरी रो पता चल जाएगी, दैट इज एम्प्लॉय नंबर 2, 3 एंड 4। ये तीनों के जितनी भी वैल्यूज है वो पूरी की पूरी रिट्रीव होके आपके आउटपुट में आ जाएगी। नाउ इसी इसके लिए मैं एक क्वेरी लिख रही हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम जो मेरा है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3000। अभी मैं इसी को ही कैसे लिख सकती हूँ, इसका एक और तरीका है लिखने का, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज बिटवीन। मैं क्या करूँगी, बिटवीन लगा दूंगी। ये एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जो कि प्री कंपाइल्ड पहले से ही आपके SQL के अंदर रहता है, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिटवीन 2000 एंड 3000। मैंने जैसे ही ये लिखा तो ये क्या करेगा, ये आपको यही सेम तीन चीज़ों को रिट्रीव करके आपको दे देगा वैल्यू, उसको सेम जो इसमें आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट इसमें भी आएगा। दूसरी चीज़, बिटवीन ऑपरेटर को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये फास्टर है। देखिए क्या है, आज के डेट में हमें ऐसी क्वेरीज चाहिए जो कि जितने भी मेरे पास डेटा है वो सबको जल्दी रिट्रीव करके आए, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है आज की डेट में वो है टाइम एंड स्पेस, ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो अगर मुझे एक एफिशिएंटली किसी क्वेरी को रन कराना है तो मुझे स्मार्टली उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स रन ये भी करेगा, आउटपुट इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो आउटपुट मिलेगी ये क्वेरी जल्दी रन होगी तो मेरे पास कहीं ना कहीं टाइम बचेगा और साथ में ये क्वेरी आपका स्पेस भी कम लेगी, तो इसलिए मैंने बिटवीन यूज़ किया। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन, दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर, अब मुझे वो सबकी डिटेल चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 है या फिर 20 है या फिर 30 है। मैंने ये चीज़ तीन चीज़, अब इसमें मेरे पास कौन से आउटपुट्स आ जाएंगे, एक सेकेंड, तो इसमें जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो है, एक आ जाएगा हमारे पास रो 1, पूरी रो आ जाएगी 20-30 में, साथ में ये वाली भी रो आ जाएगी एलन एंड किंग, एक फोर्ड को छोड़कर मेरे पास ये चारों रोज रिट्रीव होके आ जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नॉर्मल बस एक क्वेरी को लिखा है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP जहाँ पे डिपार्टमेंट मैंने दे दिया है और लगा के। अभी मैं इसकी जगह पे ये, बिकॉज हो सकता है ये मैंने ऑप्शनल लगाया हो, और मतलब ये तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है, बिकॉज मेरे पास तीनों अवेलेबल है इसलिए वो आ गए, लेकिन अगर बहुत बड़ा टेबल है और मुझे पता नहीं है कि कौन सी डिपार्टमेंट है मेरे टेबल के अंदर में, तो व्हाट आई कैन डू कि मैं इस टाइप से लिख दूंगी और जितनी भी वैल्यूज होंगी उससे रिलेटेड वो सब आ जाएगी वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, इसी क्वेरी को मैं दोबारा कैसे लिख सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ ऑपरेटर ANY, एनी लगा सकती हूँ, या फिर मैं एक ऑपरेटर लगा सकती हूँ इन और एनी को मैं कैप्स में भी लिख सकती हूँ और स्मॉल में भी लिख सकती हूँ, दोनों एप्लीकेबल रहेगा अब हमारे MySQL में। तो अब क्या होगा इसमें, एनी 10, 20, 30, ये एक पैटर्न है लिखने का इस क्वेरी को। मैंने जैसे ही ये लिखा तो इसमें अगर मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 और 30 के हैं, 20 के नहीं है, नो प्रॉब्लम, ये दोनों आ जाएगा, 20 नहीं आएगा। इन सेम चीज़, जो भी आपके टेबल में अवेलेबल होगा वो सब रिट्रीव होके आपके पास आ जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मैं ये दोनों ऑपरेटर्स में कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल है आपको यूज़ करना, तो विल गो विद द डिफरेंस कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है इन दोनों में। नाउ इनको मैं ये कह सकती हूँ कि इन ऑपरेटर जो होता है वो फास्टर होता है एनी से, जल्दी रन करेगा इन ऑपरेटर, लेकिन जो एनी है वो क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब ये होता है कि उसको रन करने से हो सकता है मुझे ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट मिले एज़ कम्पेयर टू इन ऑपरेटर को यूज़ करने से। भले ही ओके फाइन कि जो इन ऑपरेटर अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट जल्दी मिलेगा, लेकिन वो कितना एफिशिएंट है कितना नहीं है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, एनी। इसलिए इसको कहते हैं कि ये फास्ट है और वो ज़्यादा पावरफुल होता है। सेकेंड, इन ऑपरेटर वी कैन स्पेसिफाई इन एंड नॉट इन। ओके, अगर मैं इन ऑपरेटर को यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने इन लिखा, साथ में मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि डिपार्टमेंट नॉट इन,
जो ये तीनों में नहीं है मुझे उनकी वैल्यू चाहिए, 10, 20, 30 डिपार्टमेंट के अलावा चाहिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ बस, लेकिन मैं सिर्फ यही दोनों को यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे विथ एनी एनी ऑपरेटर्स को। देखिए मैं कैसे कितने अलग अलग पैटर्न से यूज़ कर सकती हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इतने सारे इसके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट, इन ऑपरेटर जो है वो मैं ओरेकल और माई एसक्यूएल दोनों में यूज़ कर सकती हूँ, ये भी आपको एक याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन जो एनी है वो मेरा सिर्फ ओरेकल में यूज़ होता है। अगर बाई चांस मुझे एनी ऑपरेटर को माई एसक्यूएल में यूज़ करना है तो मैं उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर जब मैं सब क्वेरीज़ बनाऊँगी, क्वेरीज़ के अंदर में जब हम क्वेरीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ एनी। तो विद दिस आगे अब हम पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे DML के ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज़ अपडेट, एनी एंड ऑल, तो उसके साथ में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस टाइप की क्वेरीज बनेंगी, इनको आगे पढ़ेंगे। हेलो एस्पायरेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने अभी पढ़ा था इन एनी के बीच का जो डिफरेंस है और बिटवीन ऑपरेटर एक था, तो उसे हमने कैसे यूज़ किया था क्वेरीज के अंदर। तो अब हम डेटाबेस लैंग्वेजेस में जो हमने जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हैं, इंसर्ट, अपडेट, सर्च, डिलीट, कमिट, रोल बैक, तो विल सी कि क्वेरीज में आप उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेम चीज़ लिया हमने, वही वाला एक टेबल है हमारा जो प्रीवियस में था, अब इस टेबल में फॉर एग्जांपल मुझे कुछ चीज़ को अपडेट करना है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको इंसर्ट का एक बार बता चुकी हूँ कि इंसर्ट कैसे किया जाता है। विल स्टार्ट विद द अपडेट पार्ट, कि अपडेट EMP, दिस इज द टेबल नेम। अब अपडेट मुझे करना है क्या, मुझे वो लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी सेट सैलरी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सैलरी बदलना है और उसको करना है कितना, 10,000, वेर EMP नंबर इज 1। ओके, हम EMP नंबर 1 में आ गए, तो यहाँ पे हमने देखा एडम्स है जिसकी सैलरी उस टाइम पे सिर्फ 1,000 थी, बट बिकॉज हो सकता है उसने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैंने उसकी सैलरी कर दी है 10,000। तो अब ये क्या होगी, अपडेट हो जाएगी। EMP नंबर 1 पे उसने वो गया और उसने क्या किया, यहाँ पे इसको अपडेट कर देगा। अपडेट करके ये क्या हो गया हमारा, 10,000 सैलरी। ओके, नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब चेंज करना कि अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस 5 × 100 बाई EMP इज 1। अब मैंने इसे कमिट कर दिया, ये कितना हो गया मेरे पास, 10,000। अब अगर मैंने नेक्स्ट कोई अपडेशन मारा है इसमें, जिसमें मैं बोल रही हूँ कि सैलरी मेरे पास है 10,000, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा मुझे मैथमेटिक्स यूज़ करना है और 500 मुझे उसमें प्लस करना है, तो जब मैं 500 प्लस करूँगी तो अब ये अपडेट होगी, कितना हो जाएगा मेरे पास में, 10,500। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग द अपडेट ऑपरेशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इसको आपको लिखना कैसे, ये सेट को मत भूलिएगा, ये भी हमें लिखना रहता है। नाउ ये तो हमने सिर्फ एक रो को अपडेट किया है, अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स या रोज को अपडेट करना है तब मैं उसमें कैसे परफॉर्म करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपडेट करना है, हमारे पास टेबल नेम है और बहुत सारे कॉलम्स में हमें चेंजेस लाने हैं, जैसे सैलरी, सैलरी मुझे 10,000 करनी है, सिटी मुंबई को हटाकर मुझे पुणे करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये हम सबको वेर केयर में रखते हैं, दैट इज़ द रीज़न ये सिंगल इन्वर्टेड कॉलम्स में लिया जाता है जब हम एक क्वेरी को लिखते हैं। तो अगर मुझे इन दो चीज़ों को चेंज करना है तो मैं ऐसे चेंज करूँगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अपडेशंस को हमें कैसे यूज़ करना है। नाउ यहाँ पे मैंने एक क्लॉज लगाया, दैट इज़ वेयर क्लॉज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या करता है वेयर क्लॉज, ये स्पेसिफाई करता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में या इस पर्टिकुलर रो में ही चेंजेस लाने। अगर बाई चांस मैंने लिख दिया अपडेट EMP सेट सैलरी इज इक्वल्स टू 10,000, क्या होगा, इस टेबल में जितनों की भी सैलरी है ये सब अपडेट होके 10,000 हो जाएगी। सबको मुझे 10,000 रुपये नहीं देने हैं ना, क्या होगा, ये सबकी सैलरी सेट होके हो जाएगी हमारे पास में 10,000 रुपीज़। इसीलिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं ताकि मैं स्पेसिफाई कर सकूं कि हाँ इसी पर्टिकुलर रो में ही मुझे चेंजेस लाने हैं। ओके, आफ्टर अपडेट लेट्स कम विद द डिलीट पोर्शन।
डिलीट में समझिए मुझे पूरा का पूरा एक रो को डिलीट करना है, जो एम्प्लॉय नंबर वन था एडम उसको पूरे को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट फ्रॉम ई एम पी, ई एम पी इज़ अ टेबल नेम, या मैं क्या यूज़ करूँगी फ्रॉम, उसमें से डिलीट करना है ऑफकोर्स, वेर ई एम पी नंबर इक्वल्स टू वन। जब आप एसक्यूएल पढ़ रहे हो, एसक्यूएल में आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, ऑलवेज रिमेंबर एसक्यूएल में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्रॉम को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। स्पेसिफाई करने का मतलब है आपको लिखना ज़रूरी है, ओरेकल में ज़रूरी नहीं है, ओरेकल नो नीड। नाउ डिलीट फ्रॉम ई एम पी वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, अब ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देगा, जो रो है ना मेरी जिसमें मुंबई है लिखा हुआ, वो सब रोज मेरी डिलीट हो जाएंगी जैसे ही मैंने इस क्वेरी को रन किया। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या डिलीट करना है, मैंने बोल दिया कि ओके डिलीट फ्रॉम ई एम पी, और वो जितने भी कॉलम है वो पूरे के पूरे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन कौन से कॉलम, कौन से रोज के, जहाँ पे सिटी क्या आ रही है मेरी, मुंबई आ रही है। ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये सब जितने भी ब्लैक में लिखे हुए हैं ये सब आपके क्वेरीज है। ओके अब इन्हें ट्राई भी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम ई एम पी, अब ये क्या करेगा, डिलीट फ्रॉम ई एम पी, ये पूरे टेबल की जितनी भी रोज है वो सबको डिलीट कर देगा, लेकिन आपका टेबल रहेगा बना हुआ, टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा, कॉलम्स बने रहेंगे, लेकिन रोज पूरे डिलीट हो जाएंगे। ओके क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिलीट फ्रॉम ई एम पी, पूरा का पूरा डिलीट। ड्रॉप, मैंने आपको डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस समझा दिया है मैंने, ड्रॉप ई एम पी जैसी मैंने लिखा, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, इसमें रोज डिलीट हो रही थी, इसमें पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, वो भी परमानेंटली। वन थिंग मोर कि जो ड्रॉप है उसे मैं एक टेबल पे एक ही टाइम पर यूज़ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टेबल्स पे एट अ टाइम मैं यूज़ करूँ, आई कैन यूज़ इट ओनली फॉर वंस। नेक्स्ट, जैसे ही हमने अभी डिलीट पढ़ लिया, हमने अपडेट पढ़ लिया, जो इम्पॉर्टेंट है इंसर्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, सर्च का भी मैंने आपको बता दिया है कैसे रिट्रीव किया जाता है, विल गो विद द नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन प्रोसेस, दैट इज़ कमिट एंड रोल बैक। अब कमिट एंड रोल बैक वर्क कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि कमिट एक्चुअली होता क्या है, कि जो भी चीज़ मैंने लास्ट सेव की है तो वो जो फाइनल सेव है उसे ही मैं बोलूँगी कि वो क्या हो गया, कमिट हो गया मेरा। सेव ऑल द डी एम एल चेंजेस, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि जितने भी हमारे डेटा मैनिपुलेशन वाले लैंग्वेजेस है, अपडेट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये उसी पर ही वर्क करेगा। चेंजेस सिंस द लास्ट कमिटेड स्टेट, जो हमारा लास्ट कमिटेड हुआ है। नाउ ये कह सकते हैं कि अगर हमने कमिट कर दिया है किसी भी टेबल को, अगर मैंने कमिट कर दिया तो मैं बोलूँगी कि वो परमानेंटली उसी में ही रहेगा अब, एंड दैट इज द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब वो वन ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ इंसर्ट की, पहले इंसर्ट क्वेरी लगाई, फिर मैंने कोई चीज़ इंसर्ट की, उसके बाद में मैंने एक क्वेरी लगा दी कमिट की, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने वन ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया टी वन। नाउ इसके बाद में अब अगर समझो मुझे कुछ अपडेट करना है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, मुझे अपडेट करना है किसी का फ़ोन नंबर, हमें अपडेट करना रहता है जनरली, बहुत लोगों का होता है वैसा, तो अपडेट कर दिया, वो चीज़ अब गलत अपडेट हो गई तो मैंने उस चीज़ को डिलीट कर दिया। अब ये फाइनल है ना कि हाँ डिलीट करके मैंने वापस से उसको रीअपडेट कर दिया, सही नंबर जो भी होगा। उसके बाद मैंने फिर से कमिट चला दिया, ये मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया, ये मेरा टी टू ट्रांजेक्शन है, ये मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गया। दिस इज़ जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल, जब हम आगे इस पर टेबल्स पे बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्क करता कैसे है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी। एक रोल बैक का भी देख लीजिए आप लोग, जैसे कि रोल बैक मतलब क्या होता है, विल अंडू द डी एम एल चेंजेस। ओके मतलब जो मैंने कमिट कर दिया बाई चांस वो चीज़ मेरी खराब हो गई, गलत हो गई, तो मैं क्या करूँगी, इसके आगे मैं रोल बैक लिख दूंगी। वॉट इट विल डू, वो जो लास्ट कमिट हुआ था ना मेरी चीज़, जो लास्ट में अपडेट हुई है फाइनल वाली, वो वापस से घूम के वहीं आ जाएगा जब मैं रोल बैक को यूज़ करूँगी। तो विल गो विद दिस कि मैंने पहले कोई चीज़ को इंसर्ट किया, मैंने फिर कुछ इंसर्ट किया, फिर मैंने कमिट कर दिया। ओके ये मेरा फाइनल हो गया यहाँ पे। अब उस समझो किसी का फ़ोन नंबर ही है, मैंने यहाँ पे उसको अपडेट किया है, अपडेट करने के बाद कुछ
गलत कर दिया मैंने, समझो कुछ भी गलत कर दिया उसमें, ठीक है। और फिर मुझे लगा कि यार नहीं, मैंने जो अपडेट किया वो भी मेरा गलत है वो चीज़, तब मैं क्या करूँगी, मैं रोल बैक क्वेरी को समझो यहाँ पे चला दी। व्हाट विल हैपन, इट विल गो बैक टू द प्रीवियस कमेंट पार्ट, कमिट पार्ट सॉरी, जो मैंने कमिट किया था ना सबसे पहले वहाँ जाएगा, ना कि इधर और इधर जाएगा, नो, लास्ट में जो हमने किया है वहाँ पे। ओके एक और चीज़, ओनली द डीएमएल कमांड्स आर अफेक्टेड बाय रोल बैक एंड कमिट, जितने भी हमारे डीएमएल कमांड्स होते हैं जो अभी ये सब लिखे हुए हैं, सिर्फ यही अफेक्टेड होते हैं उससे, ना कि कोई डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोल लो या फिर आप डेटा क्वेरी की कोई लैंग्वेज बोल लो, और यू गो विथ ग्रांट एंड रिवोक, तो ये सब आपके अफेक्ट नहीं होते हैं किससे, रोल बैक और कमिट से, लेकिन सिर्फ हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के जितनी भी ऑपरेटर्स हैं वो सब कमांड्स हैं जितने भी, वही कमांड्स आपके क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। साथ में जो हमारे डेटा डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हाउ टू ऑल्टर अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, तो वो सब के जितने भी कमांड्स होते हैं ना वो सब ऑटोमेटिकली कमिट हो जाते हैं उसमें। जैसे ही आपने कोई टेबल को क्रिएट किया ना, आपको नीचे कमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाएंगे सब के सब। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी। हम इस वीडियो लेक्चर को आगे और कंटिन्यू करेंगे, ये काफ़ी लेंदी लेक्चर है एंड आई वॉन्ट कि आपको बेसिक्स, आपको हर चीज़ इसकी क्लियर होनी चाहिए। हेलो एस्पायरेंट्स, विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। जो हम पढ़ रहे थे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो उसमें हमने क्या देखा है कि जब भी हम कमिट करते हैं या रोल बैक करते हैं तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कि अगर मैंने कमिट किया तो क्या होगा कि मैंने जितनी भी डेटास को अपडेट किया है या कुछ किया, तो वो अपना फाइनल अपडेशन हो जाएगा उसमें, दैट विल बी परमानेंट। रोल बैक में क्या होगा, अगर बाई चांस मैंने कोई गलती कर दी है तो वो वापस रोल बैक हो जाएगा आपके प्रीवियस कमिट के टाइम पे। नाउ यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ इंसर्ट कराई, मैंने फिर कुछ इंसर्ट किया और फिर मैंने एग्जिट लिख दिया, तो जब मैं एग्जिट लिख दूंगी ना उसका मतलब क्या होता है, इट विल ऑटोमेटिकली कमिट। आया समझ में, इसका मतलब क्या होगा, आपको कमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने एग्जिट लिख दिया ना इसका मतलब भी क्या है कि वो अपने आप कमिट कर देगा उस चीज़ को। मतलब ये कह सकते हैं, ये चीज़ आपको मैंने फिर बता दिया, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि एनी पावर फेलियर्स, सिस्टम फेलियर, नेटवर्क फेलियर, या फिर अगर आपका PC रीबूट हो रहा है उस टाइम पर, उस टाइम तो क्या होगा, जैसे अगर आपका लैपटॉप बंद ही हो गया समझ लो, तो लास्ट अनकमिटेड ट्रांजैक्शन होगा ना उसमें रोल बैक हो जाता है कोई भी चीज़ को। ओके नाउ अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि जब हम इंसर्ट और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने ये चीज़ देखी है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड यहाँ पे आएगा सेव पॉइंट्स। अब ये क्या होते हैं, वी हैव टू लुक एट दिस, मैंने कोई चीज़ इंसर्ट कराई, मैंने फिर कुछ इंसर्ट किया, एक मैंने इंसर्ट क्वेरी रन करा दी, फिर मैंने एक इंसर्ट क्वेरी रन करा दी, आफ्टर दैट वट आई थॉट कि मैं इसे कमिट करूँ या नहीं करूँ, मैं ऐसा सोचूंगी कि हो सकता है कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाए बाद में, तब मैं क्या करूँगी, आई कैंट कमिट इट, है ना, कमिट करूँगी तो परमानेंटली सेव हो जाएगा। आई वॉन्ट कि हाँ हो सकता है अभी एक दो घंटे में कोई चीज़ मेरी अपडेट होने वाली हो या कुछ होना, वॉट आई विल डू, मैं एक वर्ड यहाँ पर यूज़ कर देती हूँ, दैट इज़ सेव पॉइंट, सेव पॉइंट, और उसको मैं कुछ नाम दे दूँगी, ABC दे दिया बाई चांस। नेक्स्ट में मैंने किया समझो कुछ अपडेशंस कर दिए मैंने, फिर कुछ अपडेट कर दिया, कुछ चेंजेस हो गए, वो अपडेट हो गया, मैंने फिर से क्या किया, सेव कर लिया, सेव पॉइंट लगा दिया एक और PQR, क्योंकि मुझे मालूम है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सेव पॉइंट जो होते हैं ना, इसको मैं कहती हूँ जो हम बुक में एक बुक मार्क डालते हैं, कि यहाँ से हमें कोई चीज़ हो सकता है, हमें कोई अपडेशंस चेंज करने हैं या कोई डिलीशन चेंज करना है, तो जब भी हम ये चीज़ करते हैं, बुकमार्क का यूज़ क्या होता है कि हमने लास्ट में कुछ वर्क वहाँ पे छोड़ दिया है ना, तो द सेम थिंग इज़ विद दिस, मैंने इंसर्ट किया, फिर मैंने एक सेव पॉइंट लगा दिया, फिर मैंने अपडेट किया, सेव पॉइंट, फिर डिलीट, बाई चांस आफ्टर डिलीशन मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, नाउ वट आई विल डू, मैंने रोल बैक मार दिया, रोल बैक हो गया, ये वापस से आपके सेव पॉइंट्स पे आ जाएगा, जो आपका जस्ट लेटेस्ट वाला सेव पॉइंट होगा ना वहीं पे ही आएगा वो, ठीक है। तो मतलब सेव पॉइंट हियर वर्क्स और एक्ट एज अ कमिट स्टेटमेंट, कमिट कमांड की तरह वो वर्क करेगा। सेव पॉइंट्स के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, आप चाहे तो ये सबको आप एज अ नोट्स भी रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, हर जगह आपको ये नहीं अवेलेबल होगा, तो यू कैन हैव अ लुक। सेव पॉइंट,
पॉइंट विद इन योर वर्क, ये मैंने पूरा किया, मैंने कुछ इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, डिलीट किया है, ठीक है। तो इसके बीच में मैंने क्या किया, सेव पॉइंट्स बना दिए कि यार यहाँ हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे बाद में चेंजेस करना पड़े। उस वजह से कोई भी आप लोगों को डाउट रहे या कुछ भी रहे तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, यू कैन रोल बैक टू अ सेफ पॉइंट। ऑलवेज रिमेंबर कि आप रोल बैक कर सकते हो अपने सेफ पॉइंट पर, बट यू कैनॉट कमिट टू अ सेफ पॉइंट। यू कांट से कि यहाँ मैंने अभी कमिट कर दिया है, नहीं, वो हमने सिर्फ अपने यूज के लिए रखा है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है अभी कुछ चेंजेस आ जाए या कुछ आ जाए। ओके, मतलब अगर जब मैं यहाँ पे कमिट लिखूंगी ना तो यही जो चीज़ है ना वो कमिट हो जाएगी मेरी, मतलब डिलीट होने के बाद में जो फाइनल चीज़ है ना वही कमिट होगी। ऐसा नहीं है कि कमिट आप यहाँ पे लिख दोगे, नहीं चलेगा, उस टाइम पे नहीं चलेगा वो, मतलब वो कुछ नहीं, वो मैंने एज अ बुकमार्क रखा है वहां पर। When commit or roll back, the intermediate safe points are cleared. Okay. By chance मैंने यहाँ पे roll back कर दिया, finish हो गया मेरा सब। अब मुझे अगर इसके बाद में फिर से safe point कहीं ना कहीं लगाना है अपने किसी query के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से एक fresh safe point बनाना पड़ेगा। If you want to use them again, you have to reissue them. आपको फिर से safe points बनाने पड़ेंगे, आप previous वाले use नहीं कर सकते अगर आपने roll back कर दिया और commit कर दिया तो। Okay. इन केस ऑफ पावर फेलियर्स सेव पॉइंट, द सेम थिंग मैंने बताया आपको कि सेव पॉइंट जो भी हो कमिट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि अगर बाई चांस यहाँ पर कोई पावर फेलियर्स आ जाए आपके लास्ट डिलीट में तो क्या होगा, जितना भी आपने चीज़ों को रोल बैक होना है वो रोल बैक होके कहाँ जाएंगे, आपके प्रीवियस सेव पॉइंट्स में ही आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि बेसिक आपका कमिट और रोल बैक कैसे वर्क करता है, इसके बारे में और पढ़ेंगे। फर्स्ट विल कम टू हियर, यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कुछ, दीज आर सम ऑफ द स्मॉल नोट्स बोलने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर अपडेटिंग और डिलीटिंग अ रो, या फिर जब आप किसी रो को कमिट कर रहे हो या रोल बैक कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट, When you update or delete a row, that row is automatically logged for the other users. Now, ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटाबेस सिर्फ आप चला रहे होंगे, हो सकता है उसी कंपनी में उस डेटाबेस को और भी लोग चला रहे होंगे, लेकिन if you want to update that particular row, अगर आपको उसको रो को पर्टिकुलरली आप अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो क्या होता है, वो वाली जो रो है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्लॉक हो जाती है ना, उसे लॉक कर दिया जाता है अदर यूजर्स के लिए, मतलब अदर यूजर्स जो है ना वो उसको कुछ नहीं कर सकते सिवाय रीड के, अदर यूजर्स कैन ओनली रीड इट। मैं यहां लिख देती हूं, अदर यूजर्स कैन ओनली रीड इट, दे कैन नॉट राइट ऑन इट कुछ भी चीज, क्यों, क्योंकि वो लॉक हो गया है बाकियों के लिए। सेकेंड, रो लॉकिंग इन MySQL एंड Oracle इज ऑटोमेटिक। नाउ इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपडेट या डिलीट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ हो जाती है कि रो जो है वो दूसरे यूजर्स के लिए लॉक हो जाता है। अदर यूजर्स कैन इंसर्ट और सिलेक्ट फ्रॉम द टेबल, अदर यूजर्स क्या कर सकते हैं, दूसरे रोज जो है उनको आप इंसर्ट कर सकते हो, दूसरे जितने भी रो हैं उसी पर्टिकुलर टेबल के उनमें आप वर्क कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, अपडेट या फिर डिलीट, वॉट एवर डी एम एल यू वॉन्ट टू यूज इट। नो अदर यूजर कैन अपडेट और डिलीट योर लॉक्ड रो टिल यू इशू अ रोल बैक और अ कमिट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई और यूजर जो है वो तब तक अपडेट नहीं कर सकता या डिलीट नहीं कर सकता, किसको, आपके लॉक्ड रो को, भाई वो रो तो लॉक हो चुकी है ना, उसमें तो अभी आप वर्क कर रहे हो, सामने वाला कैसे वर्क करेगा, सामने वाला कब वर्क कर पाएगा, जब आप रोल बैक या कमिट उसमें लगा दोगे। जैसे ही आपने कोई क्वेरी रन करा दी विथ रोल बैक एंड कमिट, देन द ऑल द अदर यूजर्स नाउ हैव द एक्सेस टू अपडेट और डिलीट वट एवर दे वॉन्ट। Locks are automatically released by rollback or commit. Now, again, जैसे कि आपको
लॉक लगाने के लिए क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑफकोर्स उसको रिलीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। रिलीज़ कब हो जाएंगे? जैसे ही आप रोल बैक या कमिट को लगा दोगे, दोनों कमांड्स आपने लगा दिए, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके लॉक्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। नाउ जो लॉकिंग होती है, रोल लॉकिंग, वो आपकी दो टाइप की होती है, दैट इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी रोल लॉकिंग हो जाएगी, जो आप देखते हो MySQL में जो होता है वो आपका होता है ऑटोमेटिक रोल लॉकिंग। व्हाट इज पेसिमिस्टिक? अभी कई बार आपको हो सकता है कि लॉक जो है उसे मैनुअली आपको सॉरी जो रो है उसको आपको मैनुअली लॉक करना पड़े, चांसेस हैं अपडेट या डिलीट करने से पहले, तो आप उसके लिए एक क्वेरी है जो आपको लिखनी रहती है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैं कहीं EMP लिख रही हूँ और अगर आपको टेबल नहीं दिखता है कहीं पे, तो आप ये मान सकते हो कि ये आपका टेबल नेम है। ऑलवेज रिमेम्बर, हो सकता है मैं कई जगह पे टेबल ना बना पाऊँ, तो लाइक ऐसा कुछ दिखता है, तो आई थिंक अभी तक तो आपको इतना समझ आ गया होगा। नाउ फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर जब आप देखेंगे कि प्रीवियस में मैंने एक टेबल बनाया था, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट नंबर था 10। नाउ फॉर एग्जांपल उस डिपार्टमेंट नंबर 10 में मुझे कुछ अपडेट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर उस रो को मुझे पहले लॉक करना पड़ेगा मैनुअली, तो मैं कैसे लॉक करूँगी? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दैट टेबल नेम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 10। आप कुछ और भी ले सकते हो, EMP नंबर इक्वल्स टू 1, व्हाटएवर यू वांट। फॉर अपडेट ये लाइन लिखना ज़रूरी है, फॉर अपडेट, तब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई गेस कि किस तरह से हम रो को लॉक कर सकते हैं। तो आई थिंक विल फिनिश अप विद द टॉपिक दैट इज़ डेटाबेस लैंग्वेजेस। मैंने आपको बताया, एक ब्रीफ छोटा सा समरी बता देती हूँ कि डेटाबेस लैंग्वेजेस जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, और उसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग कमांड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। पहला होता है DDL, दैट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, वन इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड नेक्स्ट इज TCL। डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या करेगा वो टेबल को कैसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो सब पढ़ा जाता है उसमें। डेटा मैनिपुलेशन में इंसर्ट डिलीट, हम कैसे उसके अंदर के डेटास को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल, कि हमें अगर उस डेटा को, उस टेबल को अगर मुझे कंट्रोल देना है, तो ग्रांट एंड रिवोक्स जो हम यूज़ करते हैं, मैं इसके भी आपको पूरा एक क्वेरी और प्रोग्राम बताऊंगी कि वो ग्रांट रिवोक के प्रोग्राम्स को कैसे बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट TCL, जो कि रोल बैक और कमिट पे वर्क करता है, तो मैंने उसका भी आपको बेसिक बता दिया है। मैंने आपको बताया है कि जितने भी क्वेरीज होती है, वो क्वेरीज को हम लिखते कैसे हैं, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, रो को लॉक कैसे करेंगे आप लोग, बिटवीन, इन, एनी, इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। विद दिस आई फिनिश ये वाला लेक्चर कि व्हाट इज़ डेटाबेस लैंग्वेजेस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।